विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में हैप्पी हाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी की ओर से 2 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति भेंट की गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए विजय पासी व राममूर्ति शर्मा ने बताया, विद्या एजुकेशन सोसाइटी जो कि हमेशा ही महिला उत्थान के लिए कार्यरत रहती है, इसी कड़ी में आज हमने 2 इंटेलिजेंट बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। एक MSc की स्टूडेंट है जिसको हमारी एक मेंबर रितु कोहली ने अडॉप्ट किया है। उसके सारे साल का खर्चा, बुक्स वगैरह सारा विद्या एजुकेशन सोसाइटी बेयर करती है अपने मेंबर मिसेज रितु कोहली के सहयोग से। दूसरी लड़की है जो कि BA फाइनल की स्टूडेंट है, उसको 3,000 रुपये की राशि दी है। ये दोनों बच्चे जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जैसे ये विद्या एजुकेशन जब ये अच्छे मार्क्स लेते हैं तो विद्या एजुकेशन सोसाइटी का नाम रोशन होता है। विद्या एजुकेशन सोसाइटी हर साल 6 बच्चों को अडॉप्ट करती है जिनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा विद्या एजुकेशन बेयर करती है। विद्या एजुकेशन ये जितने भी प्रोग्राम करती है अपने मेंबर के सहयोग से करती है। मैं बार बार पठानकोट के लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एक ना एक बच्ची को अडॉप्ट करें। अपने बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं लेकिन एक बच्ची को पढ़ाएं, क्योंकि एक बच्ची के शिक्षित होने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। आओ हम सब मिलके प्रयास करें ताकि पठानकोट में कोई भी बच्ची पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह सके। जय हिंद जी। विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चेयरमैन श्री विजय पासी जी की अध्यक्षता में 2 इंटेलिजेंट होनहार बच्चों को स्टाइपेंड देकर उनकी पढ़ाई की फ़ीस दी गई, जिसको एक बच्चे को रितु कोहली ने अडॉप्ट करा हुआ है उसको 5,000 रुपये और दूसरे को 3,000 रुपये उनकी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट दी गई। इसी तरह विद्या एजुकेशन सोसाइटी जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं उनको हर माह 2, 3, 4, 10 बच्चों को दे के फीस प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही चाहे कोई बच्चे फील्ड में हों स्पोर्ट्स के या एजुकेशन के, या घर का उनका खर्चा ना चल रहा हो लड़कियों का, उनको सिलाई मशीनें, शादी पर राशन, हर महीने राशन वैसे भी बांटते हैं। जे विद्या एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो कि शहर में ऐसे बहुत से कार्य कर रही है। हम दुआ करते हैं इस सोसाइटी से और भी शहर के बहुत से लोग जुड़ें ताकि जे इससे भी ज़्यादा लड़कियों की मदद कर सके। इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद जी।